दमदार परफॉर्मेंस, शानदार लुक्स और बेहतरीन कैमरास। जब एक स्मार्टफोन में ये तीनों आपको मिल जाते हैं तो वो स्मार्टफोन एक प्रीमियम कैटेगरी का स्मार्टफोन कहा जाता है। और आज एक ऐसा ही प्रीमियम स्मार्टफोन मेरे पास है जिसका नाम है Vivo V27 Pro। और आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं इसका परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसमें हम जानेंगे कि क्या ये फोन अपने प्राइस रेंज के हिसाब से अपने कॉम्पिटिटर OnePlus 11R को टक्कर दे पाएगा या फिर नहीं। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर हाँ, उससे पहले आपको बता दूं कि ये एक 5G स्मार्टफोन है जिसमें आप Airtel 5G Plus की सुपर फास्ट स्पीड को एंजॉय कर सकते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट हाई स्पीड कनेक्टिविटी, सीमलेस वायरलेस HD स्ट्रीमिंग, लैग फ्री ऑनलाइन गेमिंग एंड मच मोर। अगर आपको इस फोन के बारे में और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप डिटेल्स जान सकते हैं। तो चलिए इस परफॉर्मेंस टेस्ट की शुरुआत हम करते हैं गेमिंग से, जिसमें हम कॉल ऑफ ड्यूटी का टेस्ट करने वाले हैं। पर उससे पहले बैटरी लॉक ऐप खोल के आपको दिखा दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज 100% है और टेम्परेचर 30.6 डिग्री सेल्सियस है। आपको बता दूं कि मैं एक AC एनवायरमेंट बैठा हूं, इसलिए 30 डिग्री सेल्सियस आपको दिख रहा है। हो सकता है कि जब आप घर में बैठे जहाँ पे AC नहीं है तो वहाँ शायद आपको थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंट देखने को मिले। और इसके साथ साथ देख लीजिए, कोई एक्स्ट्रा फीचर एक्टिवेट नहीं है, बैकग्राउंड में भी सिर्फ बैटरी लॉक एप्लीकेशन ऑन है। और अब कॉल ऑफ ड्यूटी को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं प्लेयर लॉबी में आ चुका है और मैं एक बार सेटअप को हटा दूं और टाइम को यहां से स्टार्ट करता हूं और थोड़ी सी वॉल्यूम कम करता हूं। और आपको बता दूं कि जो डिस्प्ले की सेटिंग है मैंने 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट पे रखी हुई है। और अगर ग्राफिक सेटिंग्स की बात करेंगे तो यहां पे हम वेरी हाई और मैक्सिमम करने वाले हैं, क्योंकि अल्ट्रा पे ग्राफिक क्वालिटी लो हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि लगभग आप देख सकते हैं कि 12 मिनट के आसपास हो चुके हैं और गेमिंग एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी सही लग रहा है इसका। मैंने आपके सामने ग्राफिक्स को वेरी हाई पे रखा है, एक बार फिर से आपको दिखा दूं सेटिंग पे जाके। यहाँ पे देखिए ग्राफिक्स सेटिंग्स वेरी हाई पे है और फ्रेम रेट भी मैक्सिमम पे आपको देखने को मिल जाते हैं। और अभी तक मुझे कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है और ना ही ग्राफिक्स में कोई दिक्कत आई है। आप देख सकते हैं क्लैरिटी काफ़ी शानदार है। तो दोस्तों यहाँ पे हाफ एन आवर गेमिंग टेस्ट हो चुका है और फटाफट से अब हम गेमिंग टेस्ट के स्कोर पे नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बैटरी लॉक ऐप खोल के, और इधर आप देखिए बैटरी जो है वो 92% बची है और इधर जो टेम्परेचर है वो 33.8 डिग्री सेल्सियस हो गया है। इसको पुराने अगर टेम्परेचर से कंपेयर करके देखें तो यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं कि पहले टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था और अब जो टेम्परेचर है वो 33.8 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिल जाता है। तो आधे घंटे गेमिंग में सिर्फ 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है और बैटरी जो है वो 8% ड्रॉप हुई है। यहाँ पे आप देखिए मैंने 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट रखा था और ग्राफिकल सेटिंग्स को मैक्सिमम पे रखा था, तो देख सकते हैं कि रिजल्ट इसका गेमिंग वाइज हमें अच्छा लगा। तो दोस्तों गेमिंग टेस्ट के बाद बारी आती है बेंचमार्क टेस्ट की, और यहां पे हम बेंचमार्क करके देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे Antutu बेंचमार्क और जानेंगे कि यहां पे क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहां पे स्कोर आपके सामने आ चुका है और आप देख सकते हैं कि Vivo V27 Pro में 8,42,848 स्कोर यहां पे देखने को मिल जाता है, विच इज गुड इन टर्म्स ऑफ Antutu बेंचमार्क। और आप देख सकते हैं कि ये स्कोर 8+ Gen 1 पे चलने वाले OnePlus 11R को एक टफ कंपटीशन देता है। ऐसे में कह सकते हैं कि इस बजट में Vivo V27 Pro अच्छे खासे स्मार्टफोन्स को टक्कर देने की क्षमता रखता है। आगे बढ़ के हम दूसरे टेस्ट पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट टेस्ट है 3D मार्क, जिसमें हम वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट करके देखेंगे कि भाई इसमें कितना स्ट्रेस झेलने की क्षमता है। तो दोस्तों यहां पे वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस का स्कोर आ चुका है और इधर आप देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी इसमें आपको 99.5% देखने को मिल जाती है और बेस्ट लूप स्कोर और लोएस्ट लूप स्कोर भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर है। 1791 बेस्ट और लोएस्ट लूप है 1782। स्टेबिलिटी काफी शानदार है एंड वी आर वेरी इंप्रेस्ड।
इसके साथ साथ बैटरी परसेंटेज की बात करें तो वो शायद आपको थोड़ी ज्यादा लगे ड्रॉप होती हुई, क्योंकि 86 से 75 आ गई है। लगभग यहाँ पे आपको 11% बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है हाफ एन आवर एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट में। इसके साथ टेम्परेचर भी अगर आप गौर करेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं 40 से लेकर 50 डिग्री तक आ चुका है, तो ये भी हमें थोड़ा सा ज्यादा लगा। बट एनीवे, ये एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट था। अब एक थोड़ा जेनरिक टेस्ट पे चलते हैं जो कि है Geekbench। तो दोस्तों 3D Max का स्कोर देखने के बाद अब जरा Geekbench पे भी नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस कैसे साबित होती है। फटाफट से इसे खोलते हैं, एक्सेप्ट एंड देन रन। तो दोस्तों Geekbench स्कोर आपके सामने आ चुका है और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं Geekbench स्कोर भी। अगर आप देखेंगे तो 8+ Gen 1 SoC वाले स्मार्टफोन 1+11R से बेटर देखने को मिल जाता है। तो भाई ये हर बेंचमार्क सिनेरियो में उसे कड़ी टक्कर देने की क्षमता रखता है। अब यहाँ पर कई प्रकार के हमने बेंचमार्किंग एप्स चला दी, लेकिन अब बारी आती है CPU को थ्रॉटल करने की, और इसलिए अब मैं CPU थ्रॉटलिंग ऐप चला के यहाँ पे आपको इसका छोटा सा टेस्ट दिखाऊंगा। पहले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे टेस्ट की ड्यूरेशन 20 मिनट्स कर देंगे और सेव करते हैं और इस टेस्ट को अब स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि 20 मिनट बाद हमें इसकी थ्रॉटलिंग में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ स्टार्ट कर दिया और 20 मिनट का वेट करते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि 20 मिनट पूरे हो चुके हैं और 20 मिनट के बाद स्कोर आपके सामने है कि जो ये फोन है इट थ्रॉटल टू 79% ऑफ इट्स मैक्सिमम परफॉर्मेंस विच इज एक्सेप्टेबल, जो कि अच्छा स्कोर है। 75% से ऊपर होता है तो उसे हम एक अच्छा स्कोर मानते हैं। और इधर आप मैक्सिमम जिप्स पे नजर डालेंगे तो वो भी देख सकते हैं और मिनिमम जिप्स में डिफरेंस देख सकते हैं, बहुत डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। एवरेज जिप्स जो है वो 231.343 जिप्स आपको यहाँ पे लगभग देखने को मिल जाता है। तो जो थ्रॉटलिंग है वो इसकी हमें डिसेंट लगी और वो आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। तो देखा आपने कि Vivo V27 Pro परफॉर्मेंस वाइज एक शानदार फोन साबित होता है। अपने प्राइस रेंज के हिसाब से ये अपने कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देने की पूरी क्षमता रखता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आप इस फोन खरीदेंगे? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और हमेशा की तरह अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।